टेलीकॉम इंडस्ट्री में बढ़ती महंगाई आपकी और हमारी जेब में चोट पहुंचा कर गई है। आखिर चुनाव से पहले जो प्रयास किया जा रहा था वो हकीकत में बदल गया है। देश की तीनों दिग्गज बड़ी कंपनियों ने, एयरटेल, जियो, वोडाफोन ने अपना जो प्राइस है उसमें 20-21% की बढ़ोतरी कर दी है। आज की डेट में जो आम आदमी है उसको मोबाइल चलाना भी महंगा पड़ गया है, लेकिन अब आम आदमी कर क्या सकता है, इस महंगे प्लान के साथ उसको रिचार्ज कराना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना हम कंज्यूमर का गुजारा भी नहीं हो सकता है। अब महंगाई की मार तो झेलनी ही पड़ेगी। अगर ऐसे में कोई कंपनी अगर आपको रिचार्ज में राहत दे रही है तो 3 जुलाई से एयरटेल, वोडाफोन, जियो ने अपने जो रिचार्ज के प्लान है उसमें 20-21% तक की बढ़ोतरी कर दी है। इस बीच में दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो कि अपने रिचार्ज है वो सबसे सस्ता प्लान ग्राहक को दे रही है। दोस्तों मेरा नाम है मयूर मकवाना और आप देख रहे हैं मेरे चैनल MK Wireless। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं भारत संचार निगम लिमिटेड यानी कि दोस्तों BSNL की। दोस्तों देश की तीन दिग्गज कंपनियों ने, एयरटेल, जियो, वोडाफोन ने अपने जो रिचार्ज के प्लान है उसमें 20-21% की बढ़ोतरी कर दी है। और दोस्तों अभी एक ही विकल्प बचा है जितने भी कंज्यूमर है उनके पास, भारत संचार निगम लिमिटेड यानी दोस्तों BSNL। अब लग रहा है दोस्तों जो भी कंपनियों के प्राइस बढ़े हैं उस वजह से कंज्यूमर अब BSNL की ओर बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों लग रहा है कि अभी BSNL को कंज्यूमर एक बार फिर से मार्केट लीडर बना देगा। और दोस्तों जैसे ही तीनों कंपनियों ने अपने प्राइस बढ़ाए हैं तब से BSNL का हैशटैग ट्रेंडिंग में चलने लगा है। सारे जितने भी सोशल मीडिया है उस पर BSNL का बोलबाला हो गया है। इसी बीच दोस्तों BSNL अपने सबसे सस्ते और बढ़िया प्लान लॉन्च कर दिए हैं। अब हम सभी कंपनियों के प्राइस है उसको एक बार कंपेयर कर लेते हैं। दोस्तों जियो ने बताया है कि 399 वाला जो उनका प्लान था, पर डे 3GB डेटा मिलता था 28 दिन के लिए, उसका प्राइस 399 से बढ़कर अभी 450 रुपये हो गया है। दोस्तों जियो ने सबसे लोकप्रिय प्लान 660 रुपये वाला जो कि 84 दिनों का था, जिसमें 1.5GB डेटा पर डे मिलता था, उसका प्लान 667 रुपये से बढ़ाकर 799 कर दिया है। एयरटेल ने भी दोस्तों अपने जो प्लान थे उसमें 20-21% तक की बढ़ोतरी की है। इसके साथ ही एयरटेल का जो 719 रुपये का वाला प्लान था 84 दिन का, उसका प्राइस बढ़कर अभी 860 रुपये हो गया है। एयरटेल का सेकंड प्लान 2GB वाला जो था, पर डे 840 रुपये का था 84 दिन के लिए, उसका प्राइस बढ़कर अभी 980 रुपये हो गया है। जियो और एयरटेल के बाद वोडाफोन ने भी अपने जो प्राइस है उसको बढ़ा दिया है। वोडाफोन में जो 28 दिन का प्लान था 180 रुपये का, पर डे 1GB इंटरनेट मिलता था, तो उसका प्लान बढ़ा के उन्होंने 199 रुपये कर दिया है, यानी कि दोस्तों 11% की बढ़ोतरी की है। वोडाफोन आइडिया का जो प्लान था 460 रुपये का, उसका प्राइस अभी बढ़ाकर 509 रुपये हो गया है। ये भी दोस्तों 84 दिन का है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं BSNL की, सरकारी BSNL कंपनी की। दोस्तों BSNL ने अभी तक अपने जो भी रिचार्ज के प्लान थे उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं की है। दोस्तों BSNL का सबसे सस्ता प्लान है 84 दिन का 599 रुपये में, और दोस्तों इसमें आपको 3GB डेटा पर डे मिलेगा। जियो में 719 रुपये है, एयरटेल में 819 रुपये है और वोडाफोन में 719 रुपये है। अब दोस्तों अगर आप अभी BSNL का रिचार्ज करेंगे तो आपको 200 रुपये तक का फ़ायदा होने वाला है। 3 जुलाई के बाद दोस्तों BSNL ने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया है जो कि 45 डेज का है, जिसमें दोस्तों पर डे आपको 2GB डेटा मिलेगा, 250 रुपये का प्लान है। दोस्तों कई बार BSNL पे और गवर्नमेंट पे बहुत सारे सवाल उठे हैं कि गवर्नमेंट है वो BSNL को जानबूझ के खाई में धकेल रही है। जहां सारी कंपनियां दोस्तों 5G की तैयारी कर रही है, वहां BSNL के पास अभी 4GB नहीं है। इसी बहस के बीच में दोस्तों BSNL ने अपने सस्ते प्लान लॉन्च कर दिए है और सारी कंपनियों ने अपने जो प्राइस बढ़ा दिए है, इस वजह से लग रहा है कि दोस्तों अभी कंज्यूमर BSNL को एक बार फिर से मार्केट लीडर बना देगा। आपको क्या लगता है दोस्तों कि BSNL को अभी कस्टमर एक बार फिर से मार्केट लीडर बना देगा, या इस महंगाई के बीच में भी कस्टमर जो भी प्राइवेट कंपनी है उसकी ओर बढ़ेगा? जो भी दोस्तों आपकी राय है उसको कॉमेंट बॉक्स में बताइए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कॉमेंट करना मत भूलना, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। और थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टाटा, धन्यवाद।